Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good in health. We are smoothly going with our exercise uh, 9.3. Uh, we did the whole chapter 9. Uh, we have tried very hard to explain you each and every step. So, Beta, if you have any questions, any queries, do let us know. Uh, we are just uh, moving ahead with our. लास्ट uh, क्वेश्चन अच्छा बच्चों ये हमारे पास आज एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री है पार्ट सेवन है देखो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन वन के पिछले पार्ट में मैक्सिमाइज किया था यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको हमने मैक्माइज मैक्सिमाइज किया था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसको हमें मिनिमाइज करना है ठीक है बच्चों अच्छा आप देखो कि इसमें हमारे पास कंस्ट्रेशन दिए हमें तीन इनियन इक्वेलिटीज दी हुई ये हमारे पास फाइव वाली है ये सिक्स वाली ये नाइन वाली ठीक है सब ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है अच्छा बच्चों हमें ये पता होना चाहिए हमें यह पता होना चाहिए कि देखो कोई भी जो इनक्वेलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है तो जब भी हम ओरिजिन uh, टेस्ट करते हैं तो ये हम यहीं पे लिख देंगे कि ये सारे क्या आएंगे अवे आएंगे ये सारे अवे फ्रॉम ओरिजिन होंगे अच्छा ये हमें सारे वही सेम स्टेप्स करने हैं बच्चों में सारे सेम स्टेप्स करने हैं यानी कि इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं इंटरसेप्ट निकालने के बाद फ़िज़िबल रीजन निकालना है और फिजिबल रीजन निकालने के बाद फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो निकालने हैं इसमें उसमें से ऐसा भी कभी कभी होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है और सब इंटर जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो मिला के फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब एक्स और वाई की बारी बारी वैल्यू प्लेस करेंगे तो मिनिमाइज का सवाल है तो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है वो हमें देखना है अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ हम कॉर्नर फिजिबल रीजन निकालेंगे फिजिबल रीजन के बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हम बारी बारी कॉर्नर पॉइंट्स में जो एक्स है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहां प्लेस करेंगे जो वाई है वो हम यहां प्लेस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मिनिमाइज के हिसाब से सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है अच्छा बच्चों हम देखते हैं तो अब वही हमारा पूरा पूरा सेटअप पीछे प्रोसेस रिपीट होगा इक्वेशन वन टू थ्री है इसको मैं इक्वेशन में चेंज करना है तो ये देखो ये इक्वेशन में चेंज कर दिया इक्वल टू लगा दिया ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल और यहाँ पे भी इक्वल तो वन टू थ्री था ये थ्री फोर फाइव इक्वेशन बन गई ठीक है बच्चों अच्छा आप देखो इक्वेशन थ्री के इंटरसेप्ट निकालने है, तो इक्वेशन थ्री का इंटरसेप्ट क्या निकलेगा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एक दफा यहाँ जीरो एक दफा यहाँ जीरो तो एक्स इक्ल टू जीरो पे वाई फाइव होगा जब वाई जीरो होगा तो एक्स फाइव होगा यहाँ पे बहुत आसान है ऑरिजन uh, टेस्ट क्या होगा अवे फ्रॉम ओरिजन सब ओरिजिन टेस्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन ही होंगे ठीक है इसकी वजह क्या है कि ये जो इनिकवलिटी है वो जब यहाँ जीरो जीरो प्लेस करेंगे तो जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू और कैन नॉट बी ग्रेटर देन फाइव जीरो कभी भी फाइव से बड़ा नहीं हो सकता जीरो कभी भी सिक्स से बड़ा नहीं हो सकता जीरो कभी भी नाइन से बड़ा नहीं हो सकता इसी वजह से सारे ओरिजिन टेस्ट अवे आएंगे अवे फ्रॉम ठीक है जितने भी हैं वो अवे आएंगे अच्छा आप देखो हमारे पास ये क्या है फोर्थ uh, इक्वेशन के इंटरसेप्ट क्या होंगे ये देखो आप चेक कर लेना यहाँ पे एक दफा जीरो एक्स जीरो प्लेस करो फिर वाई ज़ीरो प्लेस करो एक्स जीरो प्लेस करेंगे वाई सिक्स आएगा यहाँ पे जब हम uh, वाई जीरो प्लेस करेंगे तो एक्स थ्री आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन और इसी तरह इंटरसेप्ट पांचवी इक्वेशन के भी इंटरसेप्ट निकल जाएंगे जीरो थ्री और नाइन जीरो बहुत आसान है एक दफ़ा यहाँ एक्स ज़ीरो प्लेस करो y3 आएगा फिर यहाँ y0 जीरो प्लेस करो x9 आएगा बहुत ही सिंपल है अच्छा बेटा अब हम देखते हैं पहले हम ग्राफ पे जाते हैं ग्राफ से फिजिबल पहले फिजिबल रीजन पहले लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेप्ट से तीनों लाइन ड्रॉ करेंगे हमें ये तीनों लाइन है ड्रॉ करेंगे तीनों लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर ओरिजिन के हिसाब से हम वो जनरलाइज शेडिड रीजन निकाल लेंगे शेडिड या फिजिबल रीजन निकाल लेंगे फिजिकल रीजन के बाद फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स और फिर ऑप्टीमल सोल्यूशन निकालेंगे तो चलो बच्चों हम चलते हैं ग्राफ की तरफ अच्छा बच्चों अब ये देखो कि हमारे पास आ, आ, ग्राफ मौजूद है ग्राफ मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे बाद में आते हैं वो असल में एक्यूरेट आते हैं इस वजह से मैंने जो पहले बताए थे रिकमेंड भी किया था आपको कि ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करें ठीक है अच्छा बच्चों ये देखो पहली लाइन के इंटरसेप्ट क्या आ रहे थे एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव के जीरो फाइव और फाइव जीरो देखो ये है क्या जीरो ये वाला था जीरो फाइव ठीक है ये एक ये दस स्मॉल बॉक्स जो है वो टू यूनिट के बराबर है इसका मतलब एक कितने के बराबर होगा तो यूनिट्स यूनिट्स मैंने स्केल ऊपर मेंशन किया हुआ है सही है तो, तो स्केल आप मेंशन कर दीजिएगा कि एक स्मॉल बॉक्स वन स्मॉल बॉक्स यहां दो कि वन स्मॉल बॉक्स इक्वल टू पॉइंट टू यूनिट ठीक है तो एक स्मॉल बॉक्स पॉइंट टू यूनिट के बराबर है तो आप देखो यहां पर भी क्या है पॉइंट टू एक्स पर भी है पॉइंट टू वाई पर भी है अच्छा आप देखो कि ये दस स्मॉल बॉक्स टू है फिर फोर है टू फोर एंड सिक्स इस तरह हमारे पास वाई पे है और यहाँ पर भी यही है टू फोर सिक्स एट दस 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 डिवीजन पे टू है फिर दस डिवीजन पे टू है दस स्मॉल बॉक्स पे टू है फिर दस स्मॉल बॉक्स पे फोर है और इसी तरह चल रहा है आगे अच्छा आप देखो टू और फोर मुझे क्या मार्क करना है जीरो फाइव और फाइव जीरो जीरो फाइव कहाँ आएगा फोर और सिक्स के बीच में सही है जीरो फाइव मतलब एक्स पे जीरो वाई पे फाइव तो ये फाइव यहाँ आएगा तो फाइव मैंने ये ज़ीरो फ़ाइव मार्क किया ये ये है ज़ीरो फाइव और ये है फाइव ज़ीरो तो हमने इन दोनों के इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है देखो इन दोनों को मैं कर मैंने यहाँ मैं मार्कर रखा उसके बाद तो मैंने ज्वाइन किया ये ठीक है जीरो आपको नज़र आ रहा होगा जीरो फ़ाइव और ये फ़ाइव जीरो तो मैंने इसको नाम दे दिया लाइन एल वन ये एल वन है ना सही है इसको हमने लाइन एल वन यानी वही वन इक्वेशन वन को मैंने नाम दिया लाइन वन सही है अच्छा इसी तरह फिर है हमारे पास इक्वेशन टू टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स वो था जीरो सिक्स और थ्री जीरो देखो ये हमारे पास क्या था जीरो सिक्स सिक्स हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है जीरो सिक्स ये है जीरो सिक्स और ये है थ्री जीरो तो ये मैंने मार्क किया हुआ है क्या जीरो सिक्स और ये थ्री जीरो तो इनको ज्वाइन कर दो थ्री जीरो और जीरो तो, तो, तो मैंने ज्वाइन किया था ये लाइन आ गई सही है ये, ये वाली लाइन आ गई जो मैं यहाँ पे ट्रेस कर रहा हूँ विद माई फिंगर सी माई फिंगर है ये मार्कर भी मैंने प्लेस किया हुआ है ये मेरे पास लाइन क्या हो गई एल टू हो गई सही है इसी तरह थर्ड लाइन हमारे पास क्या थी जीरो थ्री नाइन जीरो जीरो थ्री ये था जीरो थ्री ये रहा, मार्क किया हुआ मैंने टू और फोर के बिल्कुल सेंटर में थ्री होगा तो ये जीरो थ्री होगा और ये क्या है नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो आ गया सही है नाइन जीरो तब देखो इसको मैंने जब ट्रेस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा ज़ीरो थ्री और नाइन जीरो ये मैंने एल थ्री मार्क कर दिया ये मेरा एल थ्री है सही है एल थ्री है अच्छा मैं देखा था कि ये द टूअर्ड्स सॉरी अवे फ्रॉम ओरिजिन होंगी सारी लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो अब देखो ये भी ओरिजिन अगर यहां पर है तो ये वाली लाइन अपोजिट होगी ये लाइन जो है वो यहां पे शेड होगा ये यहां शेड होगा सारा ठीक है ये सारा यहां शेड होगा अब देखो ये जो लाइन है लाइन एल वन भी है वो भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी ना हाँ यहां पर शेड नहीं होगा इस तरफ शेड नहीं होगा राइट हैंड पे शेड होंगे सारे सारे राइट हैंड पे शेड होंगे

Uh, सबको सेटिसफाई कर रहा है ऑफकोर्स ये वाला पार्ट होगा ठीक है ये देखो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे अब जो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ वो पार्ट होगा अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास है ना ये पूरा एक्स एक्सिस हमारा है यहाँ से स्टार्ट होगा ये पूरा जो है मतलब जा रहा आगे लाइंस मतलब पूरी हैं ठीक है ये पूरा शेड हो रहा है ये ये पूरा शेड है ये शेड है ये और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है यहाँ से ऊपर जाएगा इसकी वजह क्या है देखो मैं बताता हूँ ये शेडिड पार्ट ये एक पॉइंट आएगा इंटर इंटरसेक्शन के दो पॉइंट आएंगे यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट आएगा एक यहाँ पॉइंट आएगा फिजिबल रीजन का सही है तो ये शेड होगा ये शेड होगा और ये शेड होगा अच्छा देखो ये जो पार्ट है वो शेड होगा इसकी वजह क्या है देखो अब ये आपको पता है ये किस लिए शेड नहीं होगा ये तो किसी में नहीं आ रहा ठीक है लाइन वन टू थ्री दोनों तीनों में ही नहीं आ रहा है पार्ट सही है अच्छा ये वाला जो पार्ट है मैं जो यहाँ 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 जो मैं मार्केट प्लेस कर रहा हूँ देखो ये एल टू में तो है ये एल टू में आ रहा है लेकिन ये एल वन और एल थ्री में नहीं आ रहा है ये रीजन जो है ये वाला रीजन एल वन और एल थ्री के हिसाब से अवे है तो इसलिए ये भी नहीं आएगा ये वाला रीजन भी नहीं आएगा सही है और इसी तरह देखो ये वाला जो रीजन है यहाँ जो मैंने मार्केट रखा हुआ ये भी एक रीजन है ये भी नहीं आ सकता इसकी वजह क्या है कि ये एल वन और एल टू दोनों में है ये वाला जो है वो एल वन के हिसाब से भी है और एल टू भी यहाँ पर है एल वन और एल टू के हिसाब से ये है लेकिन एल थ्री क्योंकि बाहर है तो एल थ्री के हिसाब से एल थ्री के हिसाब से आवे हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा ठीक तो हो हो है तो एक ये नहीं होगा एक ये नहीं होगा सही है ये छोटा वाला रीजन भी नहीं होगा ठीक है ये वाला भी रीजन नहीं होगा क्योंकि ये ये देखो ये वाला जो रीजन है वो एल वन के हिसाब से आवे एल वन एल वन ये लाइन है ये वाली लाइन एल वन है तो एल वन के हिसाब से ये नहीं होगा तो इसी तरह आप चेक कर लेना तो ये सारे रीजन नहीं आएंगे सही है बच्चों अच्छा आप देखो कि है यहाँ पर इंटर पॉइंट दो आ रहे हैं अब यहाँ पे कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी आ रहा है एक तो ये नाइन जीरो आ रहे हैं हमें पता है ये एक नाइन जीरो आ रहा है हमें पता है और एक ये ऊपर जाके आ रहा है जीरो सिक्स ये भी हमें पता है लेकिन बीच में दो पॉइंट भी आ रहे हैं एक तो ये तो पॉइंट है ठीक है एक ये पॉइंट है और एक ये वाला तो पॉइंट है इसको जरा हम ट्रेस करेंगे ये तो बहुत आसान है देखो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट है ना फिजिकल रीजन है पूरा इस फिजिकल रीजन के लिए ए, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा तो इस यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन कॉर्नर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन वाई पे ड्रा करो और उसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओ सॉरी एक, एक, एक वर्टिकल लाइन एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रा करो सही है तो ये पॉइंट क्या आएगा ये तो एक्स का थ्री है और वाई का टू है सही है तो एक आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आएगा थ्री टू सही मैं यहां मैंशन कर रहा हूँ ये आएगा थ्री टू और इसी तरह यहां पर भी कॉर्नर पॉइंट आएगा तो ये हम क्या करेंगे पॉइंट से हॉरिजॉन्टल बनाएंगे वाई एक्सिस पर टच करेगा और ये पॉइंट पॉइंट्स हम वर्टिकल बनाएंगे एक्स पर टच करेगा अच्छा तो ये कितना आएगा ये आएगा हमारे पास वन और फोर देखो ये जीरो और टू का हाफ है ना तो ये हो जाएगा वन ये वन हो जाएगा तो यहाँ पे भी काउंटर पॉइंट आएगा इसको यहां मेंशन कर रहा हूं वन और फोर सही है बच्चों हमारे पास कितने पॉइंट्स आए कॉर्नर पॉइंट्स वो हम यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे देखो हमारे पास, पास कॉर्नर पॉइंट कितना आ रहे हैं एक तो हमारे पास कॉर्नर फिजिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये नाइन जीरो है सही है ये नाइन जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नाइन जीरो के बाद ये भी कॉर्नर पॉइंट था वो कितना है थ्री टू यहाँ मैंशन किया था मैंने थ्री टू ये आ गया थ्री टू इसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वन फोर सही है वन फोर आया था वो मैंने यहाँ मैंशन कर दिया और फिर सबसे आखिरी वाला कॉर्नर पॉइंट है जीरो सिक्स यहाँ पे जीरो सिक्स है तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया तो बहुत आसान है बच्चों ये हमारे पास आ गया फिजिबल रीजन और हमारे पास फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट अब हम फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स की कहाँ आ रही है और ऑप्टिमम कहा आ रहा है ठीक है बच्चों ये देखिए हमारे पास जैसे कॉर्नर पॉइंट्स आए थे नाइन जीरो थ्री टू वन फोर और जीरो सिक्स ग्राफ में आप देख लीजिएगा आ, मैं मैंने पीछे ग्राफ ड्रॉ किए थे तो मैंने कॉर्नर पॉइंट सारे लिखे थे अब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज का ठीक है तो हमें मिनिमम देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हमारे गोविंदा सवाल में पॉइंट टू वन एक्स और पॉइंट वन फाइव वाई यहाँ पे क्या है एक्स और वाई क्या है नाइन और जीरो एक्स इज नाइन वाई इज जीरो तो यहाँ पे एक्स की जगह नाइन प्लेस करो वाई की जगह जीरो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वन पॉइंट जीरो एट आ जाएगा इसी तरह यहाँ पे अगेन कॉर्नर पॉइंट दूसरा क्या है थ्री टू एक्स की जगह थ्री और टू एक्स की जगह थ्री वाई की जगह टू इसी तरह आ जाएगा वन फोर प्लेस करो पॉइंट सेवन टू और इसी तरह जब जीरो सिक्स डालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो ये आ जाएगा पॉइंट नाइन अब देखो मिनिमाइज का है तो सबसे कम कौन सा आ रहा है देखो कॉर्नर पॉइंट थ्री टू पे कॉर्नर पॉइंट थ्री टू पे हमारा ये आ रहा है पॉइंट सिक्स सिक्स तो बस ये लिख देना कि ऑप्टिमम ऑप्टिमम पॉइंट सोलूशन हमने क्या सेलेक्ट किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस पॉइंट पे मिनिमम है किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन थ्री टू पे मिनिमम है सही है तो ये लिख दिया जेड मिनिमम कितना है पॉइंट सिक्स सिक्स ये जो वैल्यू आ रही है फिर हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि भाई ये जो हमारा पॉइंट है थ्री टू ये क्या हमारी कंस्टेंट्स को हमारे जो लीनियर इन इक्वेलिटीज है या नहीं कर रहा है अब देखो थ्री टू यहां डालेंगे तो थ्री और टू यहां डालो तो फाइव इक्वल टू फाइव ये भी ट्रू है अच्छा जब यहां डालेंगे थ्री और टू तो सिक्स प्लस टू एट होता है थ्री टू दिक्स प्लस टू एट ग्रेटर है तो ये भी ट्रू हो जाएगा सेटिस्फाई कर रहा है दूसरी लीनियर को दूसरे कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है इसी तरह तीसरे का कर चेक करो थ्री और टू तो यहाँ पे एक्स थ्री और वाई टू तो थ्री प्लस सिक्स इट बिकम्स नाइन ग्रेटर देन सिक्स तो ऑफ कोर्स नाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिक्स अच्छा तो बच्चों राइट नाउ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत आसानी के साथ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन हमारी वीडियोस को एंड तक देखें ज़रूर वीडियोस को लाइक करें शेयर करें चैनल पे कुछ वीडियोस पे इफ एनी यू वांट टू अंडरस्टैंड और इफ यू एनी इफ यू हैव एनी गुज डू लेटर्स नो ऑन आवर कमेंट सेक्शन थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ I love it.